Hey guys, this is Aishwarya. Welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए DIY ब्राइडल फोटो बैंगल का वीडियो लेकर आई हूँ। ये वाली बैंगल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैंगल बेस। इस तरीके का बैंगल का बेस चाहिए। आपका फ़ोटो जितने साइज़ का है उस साइज़ का आप बैंगल का बेस ले सकते हैं। फैब्रिक ग्लू, सिल्क थ्रेड, ये गोल्डन वाली बॉल चेन है, ये स्टोन चेन है, और फोटो, कपल फ़ोटो जिसके आपको बैंगल बनानी है वो। सीज़र चाहिए, टूथपिक। सबसे पहले एक रजिस्टर लेके हमें उसके ऊपर सिल्क थ्रेड को इस तरीके से रोल करना है। इस तरीके से हमें 20-25 बार इसे रोल करना है और फिर इसे सीजर से कट कर लेना है। कट करने के बाद एक साइड से हमें फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है और इसे फिर हमें उस बैंगल बेस पे रैप करना है अच्छे तरीके से। इस तरीके की बैंगल अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, पर अगर आप इसे घर पे बनाओगे तो ये काफ़ी कम बजट में बन जाएगी। इस तरीके से पूरे बैंगल पे मैंने सिल्क थ्रेड को लगा लिया है। अभी हम लोग इस पर फोटो को पेस्ट करेंगे। फोटो के पीछे से हमें फैब्रिक ग्लू को लगाना है और अच्छे से इसे बैंगल के सेंटर में पेस्ट कर देना है। अब इस पर मैं गोल्डन कलर की बॉल चेन चारों तरफ से लगाऊंगी और फिर उसके बाद स्टोन चेन भी चारों तरफ से लगा लूंगी।
इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड पे भी हम लोग दूसरा फ़ोटो को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों भी साइड पे फ़ोटो को पेस्ट कर लिया है। अब बीच में कपल के नेम लिखने हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब की कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपके नाम बड़े हैं और यहाँ पे नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सिर्फ फ़ोटो भी लगाकर ये बैंगल अच्छी लगेगी। सबसे पहले फैब्रिक ग्लू से मैं नाम को लिख लूँगी और इसके ऊपर फिर स्टोन चेन को पेस्ट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे नाम को लिख लिया है। अभी हम लोग इसके कॉर्नर पे बॉल चेन को पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं बॉल चेन को पेस्ट कर लूँगी और यहाँ पे हमारी बैंगल फिर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये दोनों भी बैंगल रेडी कर ली है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपकी भी शादी है तो आप भी इस तरीके की बैंगल खुद से ज़रूर बना के देखना। अभी करवा चौथ भी आने वाली है तो उसमें भी इस तरीके की बैंगल बहुत प्यारी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाथ में पहनने के बाद भी ये बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।